रांची में चलिथिबा एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक योग्यता पर्याय मैच रे भारत दमदार प्रदर्शन इटली को 5-1 गोल रे परास्त कला भारत एक विजय सह सेमीफाइनाल रे प्रवेश करछि भारतीय महिला हॉकी टीम। जनवरी 8 रे जर्मनी सहित सेमीफाइनाल मैच खेला जिबा पेरिस ओलंपिक्स 2024 टिकट पाइबा पई पुल ए टेबल टॉपर जर्मनी सह सेमीफाइनाल मैच खेलिबो भारत सेपरी द्वितीय सेमीफाइनाल रे अमेरिका को भेटिबो जापान। बिल्कुल काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उनके साथ मैं बहुत लंबे टाइम से खेली और उनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और आज वो चीज़ काम आ रही है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल हमारी जो भी कमी होगी हम उसके ऊपर काम करेंगे और हम हमारी सेमीफाइनल जर्मनी के साथ है तो हमने पूरी कोशिश करेंगे कि हम जर्मनी के साथ अच्छा खेलें और हम उनको बीट करें। बिल्कुल सर, हम टूर्नामेंट के लिए आई थिंक वेल प्रिपेयर्ड थे और बट स्टार्ट हमारा अच्छा नहीं था यूएसए के साथ, बट उसके बाद न्यूजीलैंड बहुत इंपॉर्टेंट मैच था हमारा क्योंकि वो मैच जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अगर वो नहीं होता तो शायद हम टूर्नामेंट से बाहर होते और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे लिए मैच बाई मैच जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का मैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमसे पहले न्यूजीलैंड और यूएसए मैच था तो अभी अगर न्यूजीलैंड ने लूज किया तो इटली के पास भी सेम चांस था कि अगर वो 3 पॉइंट लेते हैं तो उनका भी टूर्नामेंट में अंदर आने का चांस है। तो जैसे अभी हमारे जैसे हमारी दीपिका भी है वो भी बहुत अच्छा ट्रैक मारती है तो अभी हमारे जो भी टीम में है वो लोग सारे बहुत अच्छे हैं तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, हम एज अ टीम हैं तो ये हमें पॉजिटिव थिंग सोचना चाहिए कि अभी उनसे भी अच्छे हमारे टीम में हैं, वो लोग तो अच्छे थे ही पर अभी हमारे जितने भी जूनियर्स आ रहे हैं वो लोग भी बहुत अच्छे थे, अभी खेल रहे हैं, ट्रैक भी मार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम इसको कंटिन्यू करना है कि हम अच्छा करें तो और अच्छा करें। Well, as a defender, it was a very difficult tournament. We have played against very difficult teams. They did the best and we also did the best. We are in a journey to grow up, so that's everything I have to say for that. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।